हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे LL1 पार्सिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर LL1 पार्सिंग। सो देर आर थ्री नेसेसरी कंडीशंस फॉर LL1 पार्सिंग कि ग्रामर शुड बी अनएम्बिगुअस एंड नो लेफ्ट रिकर्सन एंड नो लेफ्ट फैक्टरिंग। सो देखिए, विद एग्जाम्पल के साथ हम इस LL1 पार्सिंग को समझते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, टू टाइप से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इज इट LL1, इज इट LL1 ग्रामर, पहला क्वेश्चन। सो इज इट LL1 ग्रामर, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो इस ग्रामर को देख के आपको बताना होता है क्या ये LL1 है। आपको ग्रामर को मॉडिफाई नहीं करना है। ये ग्रामर दिया गया है, आपसे पूछा गया है इज इट LL1। सो ग्रामर अगर आप मॉडिफाई नहीं करते हैं और इसी में चेक आपको करना है, तो देखिए LL1 के लिए थ्री नेसेसरी कंडीशंस थी कि ग्रामर के अंदर लेफ्ट रिकर्सन नहीं होना चाहिए, लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होना चाहिए और अनएम्बिगुअस ग्रामर होना चाहिए। लेकिन माय डियर, इस ग्रामर में ये क्या है? इट इज़ लेफ्ट रिकर्सन। ये क्या है? लेफ्ट रिकर्सन। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट LL1। सो अभी इसका आंसर है नो, इट इज नॉट LL1। सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, कंस्ट्रक्ट LL1। सेकेंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट LL1। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कंस्ट्रक्ट LL1, तो इस केस में आपको ग्रामर को मॉडिफाइड करना होता है। आप ग्रामर से लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करते हैं, ग्रामर से लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करते हैं और अनएम्बिगुअस ग्रामर बनाते हैं, और उसके बाद आप पार्सिंग टेबल बना के देखते हैं कि पार्सिंग टेबल में कोई मल्टीपल एंट्रीज तो नहीं है। अगर मल्टीपल एंट्रीज हैं तो LL1 नहीं है, और सिंगल एंट्रीज हैं एवरी सेल के अंदर तो वो LL1 ग्रामर है। सो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था इज इट LL1, आंसर इज नो। सेकेंड इज कंस्ट्रक्ट LL1। इस तरह से क्वेश्चन आपको बीटेक सेमेस्टर में आपसे पूछा जाएगा क्या ये LL1 ग्रामर है, और इस तरह से क्वेश्चन आपको गेट और UGC नेट में पूछा जाता है कि इज इट LL1। सो राइट आंसर, अभी आप इस ग्रामर को देखिए, आंसर इज नो बिकॉज लेफ्ट रिकर्सन। और कंस्ट्रक्ट LL1 ये बीटेक सेमेस्टर में होगा, तो इस केस में आपको लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करना होगा, लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करना होगा, और उसके बाद आप पार्सिंग टेबल बना के इसे चेक करेंगे। सो फर्स्ट का आंसर नो, सेकेंड कंस्ट्रक्ट LL1। सो कंस्ट्रक्ट LL1 के केस में इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिव पार्सिंग। सो इसके केस में हम क्या करेंगे? रिमूव लेफ्ट रिकर्सन। सो जब आप लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करेंगे तो देखिए लेफ्ट ग्रामर का फॉर्म क्या होगा। इट इज ई गिव्स टी ई डैश एंड ई डैश गिव्स प्लस टी ई डैश ऑब्लिक एम टी एंड टी गिव्स एफ टी डैश एंड टी डैश गिव्स स्टार एफ टी डैश ऑब्लिक एम टी and f gives left parenthesis e oblique right parenthesis or left parenthesis right parenthesis oblique id। तो देखिए, इस ग्रामर से आपने लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव कर दिया। अब लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करना इट इज़ अ डिसाइडेबल प्रॉब्लम, लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करना इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेबल प्रॉब्लम, बट एम्बिगस को अनएम्बिगस बनाना इट इज़ अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। सो चलिए इसके लिए हम पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं और देखिए क्या रिजल्ट आते हैं। पार्सिंग टेबल के लिए आपको फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, एंड फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शन किस तरह से कैलकुलेट होते हैं ये ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। इसी पर्टिकुलर इसका एग्जांपल हमने देखा था, इसका फर्स्ट एंड फॉलो क्या बना था। सो इसका फर्स्ट एंड फॉलो, इसका फर्स्ट एंड फॉलो ये निकलेगा, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है कि किस तरह से फर्स्ट एंड फॉलो निकालते हैं। नाउ अब पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पार्सिंग टेबल किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगी। ये जो ग्रामर है, इस ग्रामर के लिए आपने फर्स्ट एंड फॉलो निकाल लिया है, एंड पार्सिंग टेबल के लिए इसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्मिनल सिंबल्स हैं इस ग्रामर में, वो सारे टर्मिनल्स यहाँ लिख लीजिए।
और जितने भी नॉन टर्मिनल हैं उनको यहाँ पे लिख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, पार्सिंग टेबल किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगी। पार्सिंग टेबल में इस ग्रामर में जितने भी टर्मिनल सिंबल्स हैं उन सारे टर्मिनल सिंबल्स को आप इस तरह से लिखिएगा। क्या क्या टर्मिनल सिंबल्स हैं इसमें? आईडी प्लस स्टार लेफ्ट पेरेंथेसिस राइट पेरेंथेसिस, ये किसी भी ऑर्डर में लिख लीजिए आप। और एक और एक्स्ट्रा टर्मिनल सिंबल आएगा, दैट इज एंड मार्कर। एंड मार्कर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉलर, तो ये एक एक्स्ट्रा आपको एंड मार्कर इसमें रखना है, सिंबल डॉलर। और जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं उनको इस तरह से लिख लीजिएगा, टी ई डैस टी टी डैस एंड एफ। If number of terminals equals to n and number of non-terminals equals to m, then size of LL1 parsing table माय डियर क्या होगा? एक एक्स्ट्रा टर्मिनल सिंबल ऐड हो जाएगा एंड मार्कर, सो n प्लस 1 इनटू m, तो साइज ऑफ द LL1 पार्सिंग टेबल इक्वल्स टू n प्लस 1 इनटू m। तो चलिए देखते हैं इस पार्सिंग टेबल की एंट्री को आप किस तरह से फिल करेंगे। ये क्या है? LL1 पार्सिंग टेबल। ओके, चलिए इस पार्सिंग टेबल की एंट्रीज को फिल करते हैं। इस पार्सिंग टेबल की एंट्रीज में पहला प्रोडक्शन हम ई के लिए फिल करते हैं, ई और टी का कॉम्बिनेशन। यहाँ क्या एंट्री फिल की जाएगी? तो ये टी इट इज ए नॉन टर्मिनल, तो इसका फर्स्ट आप चेक करेंगे, ई गिव्स टी ई डैश में इस टी का फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ टी इक्वल्स टू लेफ्ट पेरेंथेसिस और आईडी। फर्स्ट ऑफ टी इक्वल्स टू लेफ्ट पेरेंथेसिस और आईडी, तो ई गिव्स टी ई डैश, ये प्रोडक्शन ए और लेफ्ट पेरेंथेसिस और आईडी की जगह ये फिल हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ टी क्या है? लेफ्ट पेरेंथेसिस, इट मींस कि दिस वन लेफ्ट पेरेंथेसिस और आईडी, और ये इस जगह पे क्या प्रोडक्शन फिल हो जाएगा? ये प्रोडक्शन ई गिव्स टी ई डैश। सो ई गिव्स टी ई डैश एंड ई गिव्स टी ई डैश। नेक्स्ट फिल करते हैं, ई डैश गिव्स प्लस टी ई डैश ऑब्लिक एम टी। सो ई डैश गिव्स, इसमें देखिएगा, ई डैश गिव्स, देर आर टू डिफरेंट प्रोडक्शन, ई डैश गिव्स प्लस टी ई डैश और ई डैश गिव्स एम टी। सो ई डैश गिव्स प्लस टी ई डैश के केस में इस प्रोडक्शन में देखिएगा कि फर्स्ट इस प्रोडक्शन का पहला टर्मिनल सिंबल क्या है? प्लस। सो ये प्रोडक्शन ई डैश और प्लस के साथ ये आप इस प्रोडक्शन को फिल कर देंगे, ई डैश और प्लस, वेयर इज प्लस, दिस इज प्लस, और इसके साथ आप इस एंट्री को फिल कर देंगे, ई डैश दिस इम्प्लाइज प्लस टी डैश। एंड सेकेंड, ई डैश गिफ्ट एम टी के केस में, इफ ई डैश गिफ्ट एम टी, देन इस केस में इस ई डैश का आप फॉलो चेक करेंगे। तो फॉलो ऑफ ई डैश, फॉलो ऑफ ई डैश क्या है? फॉलो ऑफ ई डैश इक्वल्स टू राइट पेरेंथेसिस और डॉलर। तो राइट पेरेंथेसिस और डॉलर, वेयर इज राइट पेरेंथेसिस? दिस वन राइट पेरेंथेसिस और डॉलर, यहाँ पे क्या एंट्री फिल हो जाएगी? ई डैश गिफ्ट एम टी। चलिए नेक्स्ट फिल करते हैं, टी गिव्स एफटी डैश। टी गिव्स एफटी डैश के केस में एक ही प्रोडक्शन है, सो टी गिव्स एफटी डैश बट इट इज ए नॉन टर्मिनल, तो ये कैसे एक्सपेंड होगा? जो इसके फर्स्ट में होगा एफ के, तो एफ के फर्स्ट में क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ एफ इट इज ए लेफ्ट पेरेंथेसिस और आईडी, तो टी गिव्स एफटी डैश लेफ्ट पेरेंथेसिस और आईडी दोनों जगह पे ये प्रोडक्शन फेल हो जाएगा। सो टी गिव्स एफटी डैश आईडी हियर एंड लेफ्ट पेरेंथेसिस, यहां पे टी गिव्स टी गिव्स एफ टी डैश एंड लेफ्ट पेरेंथेसिस टी गिव्स एफ टी डैश, आई डी की जगह टी गिव्स एफ टी डैश, बिकॉज लेफ्ट हैंड आई डी टी गिव्स एफ टी डैश एंड टी गिव्स एफ टी डैश। ओके, एक्सक्यूज मी,
Now T dash gives star F T dash or oblique NT. यहाँ there are two productions. एक production है T dash gives star F T dash and second production T dash gives MT. T dash gives star F T dash. ये production T dash और star के combination पे आप fill कर देंगे तो T dash और star. Where is star? This star. यहाँ पे आप fill कर दीजिए T dash gives star F T dash. एंड टी डैश गिव्स एम टी के केस में, एम टी प्रोडक्शन के केस में आप टी डैश का फॉलो चेक करेंगे. सो फॉलो ऑफ टी डैश इक्वल्स टू प्लस राइट पैरेंथेसिस और डॉलर. सो टी डैश और वेर इज प्लस, दिस इज प्लस राइट पैरेंथेसिस एंड डॉलर. यहाँ पे क्या एंट्री फिल हो जाएगी? टी डैश गिव्स एम टी. T dash gives empty. Okay, now next. F gives left parenthesis, right parenthesis. There are two productions. Again, F gives ID. So, my dear, ये production F और left parenthesis के combination पे fill हो जाएगा. F and left parenthesis. This is left parenthesis. और यहाँ पे हम इसे fill कर देंगे. F gives ये right parenthesis और F और ID के साथ ये fill हो जाएगा. F gives ID. तो इस तरह से आपने सारी एंट्रीज को फिल कर लिया है. और दिस इज एलेवन पार्सिंग टेबल. माय डियर, इस एलेवन पार्सिंग टेबल में जो ब्लैंक एंट्रीज हैं, ये जो ब्लैंक एंट्रीज हैं, ये क्या डिनोट कर रहे हैं? एरर्स, सिंटैक्स एरर. अगर पार्सर इन ब्लैंक एंट्रीज में आता है तो वो एक सिंटैक्स एरर होगा. देखिए किस तरह से पार्सर इसे किस तरह से पार्स करेगा. पार्सर एलेवन पार्सर का मैथमेटिकल मॉडल हम देखते हैं कि क्या मैथमेटिकल मॉडल है और इस टेबल को यूज करके किस तरह से उसे पार्स करेगा. ये मैथमेटिकल मॉडल है एलएलबन पार्सर, एलएलके पार्सर का. इट इज ए मैथमेटिकल मॉडल कि पार्सर किस तरह से पार्सिंग टेबल को यूज करके पार्सिंग को कंप्लीट करता है, किसी भी इनपुट स्ट्रिंग को किस तरह से पार्स करेगा. सो एलएलबन पार्सर, एक्सक्यूज मी, स्टैक यूज हो रहा है. स्टैक में ये डॉलर है एंड मार्कर और स्टार्टिंग सिंबल. इनिशियली क्या होगा स्टैक में? स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर. इस ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल क्या है? ई. और ये पार्सिंग टेबल, इस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग पार्सिंग टेबल क्या थी? ये इस टेबल को भी एक्सेस कर रहा है. और वो इनपुट, वो सारे इनपुट जो आप पार्स करना चाह रहे हैं तो उनको कहाँ लिखेंगे आप? इनपुट बफर पे. तो इनपुट बफर पे ये इनपुट लिखा हुआ है. ये पॉइंटर रीड कर रहा है कैरेक्टर, उसका स्टैक का टॉप भी देखेगा और पार्सिंग टेबल में देखा और उसके करस्पॉन्डिंग डिसीजन लेगा और इस तरह से इसे पार्स करेगा. अगर सक्सेसफुली पार्स कर देता है तो कोई सिंटैक्स एरर नहीं, और सक्सेसफुली पार्स नहीं होता है, आप कहीं इन ब्लैंक एंट्रीज में आके फंसते हैं, तो ये सारी क्या है? सिंटैक्स एरर. सो माय डियर, देखिए इस ग्रामर से जो लैंग्वेज बनेगा, उस लैंग्वेज में जो भी सेंटेंस होंगे, जो भी स्ट्रिंग्स होंगी, वो सारी स्ट्रिंग इस पार्सिंग टेबल, इस पार्सर से, एलेवन पार्सर से पार्स सक्सेसफुली पार्स हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि ये पार्सिंग टेबल किसके लिए बनाई गई है? इस ग्रामर के लिए. और इस ग्रामर से जो लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, कलेक्शन ऑफ सेंटेंस, वो सारे सेंटेंस इस पार्सिंग टेबल से सक्सेसफुली पार्स हो जाएंगे. सर कैसे पार्स होंगे? हम अभी एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे. और वो स्ट्रिंग जो इसके लैंग्वेज के सेट में बिलोंग नहीं कर रही है, इस ग्रामर से जो लैंग्वेज बनेगी उसके अंदर अगर इस स्ट्रिंग बिलोंग नहीं कर रही तो वो इससे पार्स नहीं होगी. कहीं ना कहीं आप सिंटैक्स एरर, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में आप फंसेंगे. कोई ना कोई सिंटैक्स एरर है. क्यों सिंटैक्स एरर है? चलिए इस इनपुट स्ट्रिंग को पार्स करके देखते हैं. देखिए किस तरह से पार्स होगा. सो ये इनपुट बफर है, इट इज इनपुट बफर. और ये स्टैक है, इट इज ए स्टैक. और आउटपुट की क्या आउटपुट होगा? सो ई और आई डी का कॉम्बिनेशन, ई और आई डी का कॉम्बिनेशन इस सिंबल टेबल में देखिएगा. ई और आई डी, ये क्या दे रहा है आउटपुट? ई गिव्स टी ई डैश. ई गिव्स टी ई डैश. माई डियर, स्टैक से ई को पॉप आउट कर दीजिए और ई की जगह क्या रख दीजिए? टी ई डैश. सो टी ई डैश. अब स्टैक में आपने क्या रखा है? टी ई डैश. यानी कि स्टैक, ये आपका स्टैक है, इसमें इनिशियली डॉलर था, देन टी, देन ई डैश.
फॉर स्टैक इज ए लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक क्या है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले कौन सा नॉन टर्मिनल इससे पहले कौन सा नॉन टर्मिनल आउट होगा, ई डैश, यानी ई डैश के प्रोडक्शंस पहले डिराइव हो जाएंगे, जबकि ई गिव्स इट इज टी ई डैश, एंड ई गिव्स टी ई डैश के केस में पहले क्या एक्सपेंड हो रहा है, ई डैश, और ई डैश सेंटेंशियल फॉर्म में क्या है, इट इज अ राइट मोस्ट डेरिवेशन, और ये एल एल वन पार्सिंग में फर्स्ट एल क्या इंडिकेट करता है, लेफ्ट राइट स्कैनिंग, एंड सेकेंड एल लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अगर इस प्रोडक्शन को एज इट इज हम टी ई डैश रखते हैं तो पहले कौन सा प्रोडक्शन डिराइव होगा, राइट मोस्ट वेरिएबल, जो इस बात का कंट्राडिक्शन है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप चाहते हैं कि पहले लेफ्ट वाला वेरिएबल टी वेरिएबल पहले एक्सपेंड हो, ये पहले डिराइव करे डेरिवेशन में, इससे पहले स्ट्रिंग डिराइव हो। डेरिवेशन प्रोसेस में आप चाहते हैं कि टी पहले एक्सपेंड हो, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपका जो प्रोडक्शन था ई गिव्स टी ई डैश, इसको स्टैक में इस तरह ना पुश करके आप इसको रिवर्स पुश करिए। जब आप इसको रिवर्स करके स्टैक में पुश करेंगे, सो रिवर्स क्या होगा, ई डैश और टी, नाउ ई डैश टी, अब स्टैक में क्या होगा, पहले ई डैश और फिर क्या होगा, यस टी, तो स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, अब कौन सा पहले डिराइव होगा, स्टैक इज लास्ट इन टी, और लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल में लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन प्रोसेस में भी पहले क्या आ रहा है, टी, तो अब ये करेक्ट है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो ई का जो भी प्रोडक्शन है इसको रिवर्स करके स्टैक में आपको पोस्ट करना है। नेक्स्ट इट इज आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी डॉलर। नेक्स्ट देखिएगा टी और आईडी का कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, इसमें टी और आईडी, टी गिव्स एफ टी डैश, सो आउटपुट टी गिव्स एफ टी डैश, इसको भी स्टैक में टी को आउट करिए, उसकी जगह इसे रिवर्स करके पुश कर दीजिए, सो रिवर्स करके पुश किया, इट इज ई डैश एंड टी डैश और एफ, नाउ एफ और आई डी का कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है इस पार्सिंग टेबल में, एफ और आई डी, एफ गिव्स आई डी, सो एफ को आउट करिए, उसकी जगह आई डी इसकी जगह रख दीजिए, ई डैश टी डैश आई डी, माई डियर, अब इनपुट बफर का आई डी और स्टैक का टॉप दोनों मैच कर गए, इसका मतलब पहला कैरेक्टर जो आपने लिखा है वो करेक्ट है, वो सक्सेसफुली पार्स हो गया, इसको बनाया जा सकता है। तो जब ये दोनों मैच कर जाएं तो पॉइंटर्स को एक शिफ्ट आगे बढ़ा दीजिए, आप पॉइंटर को कहाँ मूव कर दीजिए, प्लस पर, और स्टैक से इसको पॉप कर दीजिए, स्टैक से आईडी को हमने पॉप कर दिया, ये बचा, और पॉइंटर आगे मूव हो गया तो ये किस तरह से लगेगा, इट इज प्लस आईडी स्टार। नाउ टी डैश और प्लस का कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, टी डैश वेयर इज टी डैश दिस एंड प्लस टी डैश गिव्स एम्प्टी, टी डैश गिव्स एम्प्टी, जब आपने यहाँ रखा तो ये क्या बचा, इट इज ई डैश प्लस आई डी स्टार। नाउ ई डैश और प्लस का कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, ई डैश और प्लस, इट इज ई डैश गिव्स प्लस टी ई डैश, ई डैश गिव्स प्लस टी ई डैश, एंड इसको स्टैक में रिवर्स करके रखिएगा ई डैश की जगह, सो ई डैश टी प्लस, नाउ ये दोनों प्लस और प्लस मैच कर गए, इनपुट बफर पे प्लस और स्टैक के टॉप पर, इसका मतलब सेकेंड कैरेक्टर भी सक्सेसफुली पार्स हो गया, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है सेकेंड कैरेक्टर में, तो आप पॉइंटर को आगे मूव करा देंगे और स्टैक से इसको पॉप करा देंगे प्लस को, एंड पॉइंटर आगे मूव हो गया तो ये किस तरह से दिखेगा, इस नाउ ये स्ट्रिंग आई डी स्टार आई डी डॉलर। नाउ टी और आईडी का कॉम्बिनेशन इस पार्सिंग टेबल में देखिए, टी और आईडी, टी गिव्स एफटी डैश, टी गिव्स एफटी डैश, तो टी की जगह आप टी को रिमूव करिए और उसकी जगह क्या रख दीजिए, रिवर्स उसका टी डैश एफ। नाउ एफ और आईडी का कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, एफ और आईडी, एफ गिव्स आईडी,
f की जगह id रिप्लेस करिए, नाउ आई डी ओ आई डी मैच कर गया, इसका मीनिंग है कि थर्ड कैरेक्टर भी करेक्ट है, नो सिंटैक्स एरर, जो इनपुट बफर पे आई डी है और स्टैक का टॉप मैच कर रहा है, इसका मीनिंग है कि थर्ड कैरेक्टर सक्सेसफुली पार्स हो गया, इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। सिंटैक्स एरर नहीं है तो पॉइंटर को आगे मूव करा दीजिए और स्टैक से आई डी को पॉप कर दीजिए। नाउ टी डैस और स्टार का कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, टी डैस एंड स्टार, टी डैस गिव्स स्टार एफ टी डैस। इसको टी डैस की जगह रिवर्स करके पुश करिएगा, ई डैस टी डैस, नाउ स्टार स्टार मैच कर गया, इसका मतलब फोर्थ कैरेक्टर भी सक्सेसफुली पार्स हो गया, पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दीजिए और स्टार को स्टैक से पॉप कर दीजिए। नाउ एफ गिव्स आईडी के केस में एफ क्या प्रोड्यूस करेगा, एफ और आईडी का कॉम्बिनेशन एफ गिव्स आईडी एंड डॉलर, एंड ये आईडी आईडी मैच कर गया, इसका मतलब फिफ्थ कैरेक्टर भी करेक्ट है, सक्सेसफुली पार्स हो गया, इसको स्टैक से पॉप कर दीजिए, इसको स्टैक से पॉप कर दीजिए और पॉइंटर्स को आगे मूव कर दीजिए। तो नाउ इसको नाउ टी डैस और डॉलर का कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, देखिए टी डैस और डॉलर, टी डैस गिव्स एम्प्टी, सो टी डैस डॉलर का कॉम्बिनेशन टी डैस गिव्स एम्प्टी। जब आप टी डैस गिव्स एम्प्टी यहाँ पे रखेंगे, टी डैस गिव्स एम्प्टी, तो ये टी डैस टर्मिनेट हो जाएगा। अब क्या बचा, ईडेस और सेंटिनल का कॉम्बिनेशन, ईडेस और डॉलर, ईडेस और डॉलर का कॉम्बिनेशन ईडेस इन डॉलर, इट इज ईडेस गिव्स एम्प्टी, सो ईडेस गिव्स एम्प्टी, एंड ईडेस गिव्स एम्प्टी को जब आपने यहाँ पे रखा तो ये ईडेस टर्मिनेट हो गया, और ये केस क्या है, इट इज डॉलर और डॉलर, इट इज एक्सेप्टेंस का केस, ये क्या है, सक्सेसफुली पार्स। इसका मीनिंग है नो सिंटैक्स एरर। देखिए अब आपको जो आउटपुट मिला है, आपको कुछ नहीं करना है, कंपाइलर जो आउटपुट बना है उससे आपको पार्सिटी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो देखिए पहले इस इनपुट स्ट्रिंग के लिए आईडी प्लस आईडी इनटू आईडी, आप ई गिव्स क्या लिखा हुआ है, ई गिव्स टी ई डैश, एंड टी गिव्स एफ टी डैश। देखिए लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पहले एक्सपेंड हो रहा है, आप रीड यहां से कर रहे हैं और लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल एक्सपेंड हो रहा है, तो ये प्रूफ हो गया कि स्कैनिंग कहां से हो रही है, लेफ्ट राइट, और सेकेंड एल इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। सो लेफ्ट टी पहले एक्सपेंड हुआ, टी किससे एक्सपेंड हुआ, एफ टी डैश, और फिर एफ एक्सपेंड हुआ, एफ किससे एक्सपेंड हुआ, आई डी से, एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में टी डैश किससे एम टी, और फिर ई डैश गिव्स प्लस टी ई डैश, और लेफ्ट से पहला वेरिएबल अब टी, टी गिव्स एफ टी डैश, एंड एफ गिव्स आई डी, और टी डैश गिव्स स्टार एफ टी डैश, एंड एफ गिव्स आई डी, एंड टी डैश गिव्स एम टी, एंड ई डैश गिव्स एम टी। देखिए क्या इनपुट आपको मिला, आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी एम टी एम टी एम टी। तो इसको जब आप ट्रेस करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी। सो ये देखिए, ये आपने इनपुट स्ट्रिंग, इसके लिए आपने ये पार्सिटी कंस्ट्रक्ट कर दिया, और ये प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करके आपने सेंटेंस को डिराइव किया, इट इज़ अ टॉप डाउन प्रोसेस,
टॉप डाउन प्रोसेस, आपने रूट से स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट किया है और इस सेंटेंस को डराइव किया है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टॉप डाउन पार्सर। सो ये क्या है, टॉप डाउन पार्सर। जो एक्चुअल जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में आपका ये स्ट्रिंग बिलोंग कर रहा था, तो उस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन था, उस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स बिलोंग कर रही हैं, उसमें एक ये भी बिलोंग कर रहा था। तो जितनी भी स्ट्रिंग उसमें बिलोंग कर रही हैं उनको वो सक्सेसफुली पार्स कर देगा, और जो स्ट्रिंग उसमें बिलोंग नहीं कर रही हैं, जो सेंटेंस उसकी लैंग्वेज में बिलोंग नहीं कर रहे, उनको पार्स नहीं करेगा। सो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं जो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। लेट मैं एक डब्ल्यू स्ट्रिंग ले लेता हूँ, इस स्ट्रिंग को पार्स करके देखता हूँ। ये स्ट्रिंग उस ग्रामर का जो लैंग्वेज है उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ये पार्स भी नहीं होना चाहिए, ये सक्सेसफुली पार्स नहीं होगा। तो चलिए इसको पार्स करते हैं। जब इस स्ट्रिंग को आप पार्स करेंगे तो कुछ इस तरह का केस बनेगा, और इस केस में देखिएगा टी और स्टार का कम्बिनेशन क्या कह रहा है। टी एंड स्टार का कम्बिनेशन, इट इज़ ब्लैंक एंट्री। टी एंड स्टार का कम्बिनेशन, इट इज़ ब्लैंक एंट्री। और ब्लैंक एंट्री पार्सिंग टेबल में क्या बताते हैं, एरर, सिंटैक्स एरर। तो जो ब्लैंक एंट्री है आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इट इज़ ए एरर। सर ये कौन सी एरर है, ये एरर क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑपरेटर है। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में प्लस के बाद एस्ट्रिक टू ऑपरेटर्स आप इस तरह से नहीं लिख सकते, तो ये क्या है, इट इज़ ए एक्स्ट्रा ऑपरेटर। एस्ट्रिक इज एक्स्ट्रा ऑपरेटर। सो जब भी टी और स्टार का कॉम्बिनेशन हो तो इट इज ए सिंटैक्स एरर। और कौन सी सिंटैक्स एरर है, क्या मैसेज है, एक्स्ट्रा ऑपरेटर। सो टी और स्टार के कॉम्बिनेशन पे इस सेल पर जब आप फंसेंगे तो इस पे इट इज ए सिंटैक्स एरर। और कौन सी सिंटैक्स एरर है, एक्सेप्शन एंड हैंडलिंग के थ्रू प्रोग्रामिंग हो रखी होगी, और जैसे ही आप इस पे आएंगे क्या मैसेज नीचे डिस्प्ले हो जाएगा, एस्ट्रिक इज एक्स्ट्रा ऑपरेटर। तो यूजर जैसे ही इसको कंपाइल करेगा तो देखेगा उसे नीचे लाइन ऑफ कोड ये नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, एस्ट्रिक इज एक्स्ट्रा ऑपरेटर, इट इज ए सिंटैक्स एरर। तो माय डियर, इसी तरह से आप सी के एडिटर पर जो भी प्रोग्राम लिखते हैं और जब आप उसे कंपाइल करते हैं तो आपको सिंटैक्स एरर कंपाइलर को कैसे पता चलता है। सी एक लैंग्वेज है और सी लैंग्वेज का भी एक ग्रामर है, तो उस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग एक एल1 पार्सिंग टेबल होगा। तो सी के एडिटर पर जो भी आप सेंटेंस लिखते हैं, अगर वो सेंटेंस सी की लैंग्वेज के अंदर वैलिड है, सी के अंदर वैलिड सेंटेंस है, तो उस LL1 पार्सिंग टेबल से सक्सेसफुली पार्स हो जाएगा। और यूज़र ने अगर कुछ ऐसा सेंटेंस लिखा जो सी लैंग्वेज के अंदर वैलिड नहीं है, तो कंपाइलर उस पार्सिंग टेबल से जब पार्स करेगा उसको, तो वो सक्सेसफुली पार्स नहीं होगा, और इसी तरह से किसी न किसी ब्लैंक एंट्री में फंसेगा, और उस ब्लैंक एंट्री पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू कोडिंग हुआ होता है, वहाँ लिखा होता है कि इट इज़ ए सिंटैक्स एरर। कौन सी सिंटैक्स एरर, जो भी सिंटैक्स एरर आप जिस ब्लॉक में फंस रहे हैं वो मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह कंपाइलर सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा।